बहुत ही दुखद घटना है और शोक संवेदना प्रकट करने हम लोग भी आए हैं। और आजकल हम लोग प्रायः देख रहे हैं, सुबह का अखबार जब उठा के पढ़ते हैं तो प्रतिदिन एक अच्छी खासी संख्या जो दुर्घटना से जिनकी मृत्यु हुई होती है, देख के बड़ा मन आहत होता है कि जो व्यक्ति घर से चला जाता है, जिम्मेदार व्यक्ति या नौजवान, तो घर वालों पर क्या उसके असर पड़ता होगा। ये बहुत ही दुखद है और एक संदेश जाना चाहिए कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, जो रूल्स प्रिस्क्राइब हैं ट्रैफिक की तरफ से उसको फॉलो करें। कहाँ के लोग ये रहने वाले हैं, कितने लोग? ये फाफा मऊ विधानसभा के रहने वाले हैं। 5 लोगों की मृत्यु हुई है और सभी लोग एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये सुबह हमारे पास बुनौना गाँव के पूर्व प्रधान रामचंद्र पटेल जी आए थे। उन्होंने एक्सीडेंट की जानकारी दिया कि रात में हमारे ही गांव के 5 लोगों की डेथ हो गई है। पाल समाज के लोग हैं ये लोग। हथियमा शादी में गए थे, वहीं से लौट रहे थे और ट्रक की चपेट में, 4-व्हीलर की चपेट में आ गए, जिसके कारण इनकी तुरंत डेथ हो गई। रात में यशो ने आधार कार्ड वगैरह के बाद फ़ोन किया था तो इन लोगों को जानकारी मिली। सुबह मेरी CMO से बात हुई है और फिर यशो से भी मैंने बात किया, उसी के पोस्टमार्टम है तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कितने लोग थे, किस तरीके से हुई, क्या किस? 5 लोग थे। अब गाड़ी तो जो टक्कर मारी, जो हमको सूचना है, वो भाग गई और केवल लाश वहाँ बरामद हुई है, सूचना मिली है। बाकी गाड़ी से थे क्या? अभी पूरी स्थिति हमारी जानकारी में नहीं है। और ये जा रहा है कि एक ही बाइक पर 5 लोग थे, हो सकता है ऐसी हो, चूँकि एक से बाइक की कई घटनाएं आ रही हैं जिसमें लोगों को यातायात नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, रात में चल जा रहे हैं, जो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए वो करके तमाम गाड़ियां चला रहे हैं, इसके कारण ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं। रूल्स फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। Bye-bye.